राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री साइड न्यूज। सीएम नीतीश कुमार ने संवाद यात्रा के दौरान शनिवार को इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर और एक कांग्रेस राय पहुंचकर लोगों की समस्याएं व शिकायतें सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद का ही फल है कि हमें बिहार राज्य के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। कोरोना के कारण आप सबसे मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, दिल में इच्छा थी एक बार फिर से मिलें, वे अब पूरी हो रही है। आप सबों का प्रेम ने ही रीना यादव को दोबारा MLC बनाया है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके मंत्री सांसद सबों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। लोगों ने अपनी समस्याओं की जानकारी मुझे दी है। आप सब लोगों के सहयोग से ही आज हम यहाँ हैं और जो भी हमसे संभव हुआ हम तक काम करते रहे, लेकिन मेरे मन में एक बात आ गई थी कि जरूर हम एक चक्कर और लगा करके सब जगह लोगों से मिल लेंगे। यही निजी यात्रा के दौर पर हम चल रहे हैं और सब जगह लोग मिलते हैं भारी संख्या में, सब अपनी समस्या भी बताते हैं देते हैं और यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत खुशी है। बहुत लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया है, सब चीज़ों को देखा जाएगा और आप लोगों का जो सहयोग सब लोगों को मिलता रहा इसको जीवन भर याद रखेंगे और जो भी हमसे संभव है। ऊंचा उठा के मारिए, डिस्प्ले लेके, हाँ डिस्प्ले लेके मारिए। कुर्सियाँ पर खड़ा होकर खींचे ना, गुरु नितेश कुमार जिंदाबाद, विकास गुरु जिंदाबाद, नितेश कुमार जिंदाबाद, नितेश कुमार जिंदाबाद, विकास गुरु जिंदाबाद, विकास गुरु जिंदाबाद, नितेश कुमार जिंदाबाद, नितेश कुमार जिंदाबाद, विकास गुरु जिंदाबाद, विकास गुरु जिंदाबाद, विकास गुरु जिंदाबाद, विकास गुरु जिंदाबाद, नितेश कुमार जिंदाबाद, नितेश कुमार जिंदाबाद, विकास गुरु जिंदाबाद, नालंदा जिंदाबाद, नितेश कुमार जिंदाबाद, नितेश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद।